Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Welcome to the Third Opinion Khwadin Adrat Khushandiz. Uh, आज हम एक दो बड़े इम्पॉटेंट और क्रिटिकल किस्म के इश्यूज़ हैं जिन पे आपसे गुफ्तु करेंगे uh, इसमें पाकिस्तान में एक मिलिट्री जनरल पर करप्शन के इल्ज़ाम कश्मीर के अंदर मुख्तफ सियासी पार्टियों का कश्मीर के जो इशू चल रहा है और वहाँ पर जो सिचुएशन है उस पर एक डेक्लेशन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के वज़ी अजम इमरान ख़ान की एक साल पहले यूनाट नेशन में तक्रीरीर के बाद की जो साल का अरसा गुजरा है और उसमें यूनाइट नेशन का दोबारा तो जो इजलास हो रहा है नेक्स्ट मंथ सप्तम्बर में इसके हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले जो बड़ा इम्पॉटेंट जो इशू इस वक्त चल रहा है मीडिया में इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है वो ये है कि एक साफ़ी हैं पाकिस्तान के अहमद नूरानी आ, उन्होंने एक स्कैंडल लीक फाइल किया है या ख़बर लीक की है या जो आप कह लें जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान में एक जो जर्नल हैं आसम बाजवा साहब पे हवाले से जो है वो मुख्तु डॉक्यूमेंट्स वगैरह वे वेबसाइट्स पे लगाए हैं जिनसे वो ये साबित कर रहे हैं कि इनके बाहर की मुल्कों में जिसमें का कनाडा और दूसरे यूरोपियन शामिल हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनकी बहुत लंबी चोड़ी एक फहरिस्त है कारोबार की इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ की तो मैंने सबसे पहले वो जो है वो डॉक्यूमेंट देखने की कोशिश की है चूँकि मैंने देखा कि जो उसका काउंटर आर्गुमेंट है वो ये कहते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट जो हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट पॉसिबल ही नहीं वेस्टर्न दुनिया में आप आसानी से हासिल करें इसके लिए लाखों डॉलर्स चाहिए और इसके लिए बहुत बड़े रिसोर्स चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये नूरानी साहब के पास कैसे आ गए तो हम चूँकि वेस्ट में बेस करते हैं और वेस्ट की जो लीगल सिस्टम है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन है और जो इस तरह की स्पेशली जो मालूम है कि किसका बिजनेस कैसे तलाश किया जा सकता है या किसी की प्रॉपर्टीज़ अगर वेस्ट में कहीं रज, आ, रजिस्ट्री सिस्टम पे हैं तो उनको ढूंढने के लिए कितने एक वसाइल चाहिए तो ये सब बातें जो है पहला ये बड़ा आर्गूमेंट मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर गर्दश कर रहा है तो उस हवाले से आ, मैंने देखा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अटैच किए हैं वो क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स हैं जाहिर है कि जहाँ तक कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट बनाने की बात होती है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है वो फ़ेक बना सकते हैं लेकिन जहाँ से वो इशूइंग अथॉरिटी है उस डॉक्यूमेंट पे सामने लिखा होता है तो वो देख के तो आप अगर कोई किसी स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट को किसी स्कैंडल को या किसी इल्ज़ाम को चैलेंज करना चाहे तो जाहिर है कि वो उन अथॉरिटीज से जाके वो ख़ुद उसकी तस्दीक कर सकता है जहाँ तक ऐसे डॉक्यूमेंट की कास्ट की ताल्लुक है तो इसकी कोई काबिल ज़िक्र कास्ट जो है वो नहीं होती कि जो कि आम आदमी की पाँच में न हो कि आपने यहाँ के रजिस्ट्री सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक करना है कि यहाँ पे इस आदमी के नाम की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है तो उसके लिए जो है वो बहुत ही कम एक जो है आपके पास उसकी जो है वो फ़ी होती है जो गवर्नमेंट की फ़ी है तो उसके लिए कोई लाखों डॉलर्स का उन्होंने जो है वो ज़रूरी नहीं पहले तो मैं इसको इसलिए कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ताकि ये बेस किया जाए कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आ, वो किसी जैसा कि दूसरी तरफ़ से कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क की साजिश है या किसी दूसरे मुल्क ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करके तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस कराएं ताकि जो है वो पाकिस्तान में सी पैक को और जो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब किया जाए उसकी वजह यह है कि ये जनरल आसम बाजवा साहब जो है वो सी पैक के भी हेड हैं और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जो इमरान खान वज़र अजम उनके खसूस मावन भी हैं तो इस हवाले से ये एक बड़ी एक इम्पॉटेंट किस्म का इशू है तो उसको इसको ज़रा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है जिसके साथ मुख्य किस्म के इशूज़ जो वो जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैंने इसको बड़ी गहराई में जा वेबसाइट पर उसको चेक किया कि यह डॉक्यूमेंट्स ज्या हैं, हैं और क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि यह किसी बहुत बड़े मल्क या बहुत बड़े सरमाए के बगैर हासिल नहीं हो सकते तो ऐसी कोई बात नहीं अब जहाँ तक सवाल है कि क्या उन डॉक्यूमेंट्स का जनरल आसम बाजवा साहब की जो है पोजीशन है और उनकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनके साथ कोई तल्लक है या नहीं है तो जाहिर है कि जो लिस्टें उन्होंने दी उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या बिजनेसेस हैं वो उनके सब करीब तरीन जो उनकी जो हो गई या भाई हो गए उनके नाम पर हैं तो इस हवाले से उनको उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया कि जिससे ये साबित होता हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बाजवा साहब की वजह से हुई है और ना मैं ये समझता हूँ कि उनको किसी भी तरीके से ये साबित करने की ज़रूरत है चूँकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टीनेंट में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो पॉलिटिशनज़ हैं या मिलीटरी बासिस हैं या जो इस तरह के बिजनेस पीपल हैं किसी न किसी तरीके से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो ज़ाहिर है अपनी फैमिलीज़ के हवाले से और अपनी फैमिलीज़ के नाम पे जो है या उनके नाम से कारपोरेशन वगैरह और कंपनीज़ जो वो रजिस्टर करके तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लिहाजा ये साबित करने के लिए मैं समझता हूँ कि ना तो कोई डॉक्यूमेंट होता है और ना इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तु केसिज़ में इस तरीके से हो चुका है कि मसी रिसेंटली जो केस चल रहा है नवाज शरीफ साहब का केस जो कि एक अदालती प्रोसेस से भी होके गुज़रा और जजेज़ ने भी उनको इस तरीके से सजा दी और बाद में जजज़ ने जो है उस पर माजरत भी की तो उसमें भी ये एग्जैक्टली सेम चीज़ थी कि जो प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ या पैसे जो हैं उनके बेटों के नाम पे लंदन में निकले थे उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि इनका नवाज़ शरीफ के साथ क्या कनेक्शन बनता है या नवाज़ शरीफ से ने कब ये पैसे जो है वो बाहर भेजे या किस ज़रिए से भेजे ये तो आज तक ये बात तो साबित हुई नहीं असल चीज़ जो साबित करनी थी वो ये थी कि नवाज़ शरीफ के वो बेटे हैं उनके पास लंदन में जायदादें हैं तो वो जायदादें कहाँ से आई तो यही सवाल जो है और इस सवाल की वजह से नवाज़ शरीफ को ना सिर्फ जो है वो बहुत बुरे तरीके से विक्टमाइज़ किया गया अरेस्ट uh, किया गया और उनको सज़ाइन दी गई विदाउट ए ड्यू प्रोसेस यानी जिस तरीके के अदालती प्रोसेस के अंदर तो उस हवाले से ये इक्वली सेम किस्म का एलिगेशन है तो इसमें ना किसी को ये पूछने की ज़रूरत है कि इसमें अगर इन्होंने पैसे दिए तो किस ज़रिए से दिए और ना किसी को ये साबित करने की ज़रूरत है इसमें साबित करने की सिर्फ दो चीज़ें हैं लॉजिकली एक ये कि इन लोगों के साथ बाजवा साहब का वाकिया ही वही रिश्ता है जो डॉक्यूमेंट में शो किया गया जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में शो किया जर्नलिस्ट ने और दूसरा यह है कि उनके नाम पर जो इन मुल्कों में जायदादें हैं जिसमें अमरीका कनेडा और इस तरह के मुल्क शामिल हैं वो वाकई है उन्हीं की हैं ये दो चीज़ें हैं जो साबित करने की हैं जिस पर अभी तक मैंने पाकिस्तान में ना किसी को सवाल उठाते देखा कि जी ये इनका आपस में कोई ताल्लक नहीं या इनके पास जायदादें नहीं यहाँ तक कि ख़ुद जो है वो जो जनरल बाजवा साहब हैं उनकी तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि ये मेरी जायदादें नहीं हैं या अगर इन लोगों की हैं तो कैसे हैं उनके क्या रिसोर्स थे इसलिए मैं इस मामले में टोटली जो है वो अलग हूँ लेकिन इसके बजाय वहाँ पे जो दूसरी बहस जो है वो छेड़ी जा रही है कि मसन ये कि जनाब ये चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट उहदे पर फ़ायज़ थे सी पैक हवाले से और ये जो गवर्नमेंट का इस वक्त पूरा सिस्ट, सिस्टम है उसको जिस तरीके से वो असिस्ट कर रहे हैं या उसके एडवाइज़र हैं तो ये जो है गवर्नमेंट के मंसूबों को और सी पैक को डीरेल करने के लिए जो है ये किया जा रहा है तो इस पे ये इतनी एक अजीब व गरीब किस्म की दलील है कि पाकिस्तान में पहली बात ये है कि क्या रूल ऑफ़ लॉ है या नहीं है और अगर रूल ऑफ़ लॉ है तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो क्या किसी अहम उदे पर फायज़ नहीं थे क्या पाकिस्तान में एज ए कंट्री मुल्क का सबसे बड़ा अहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है और प्राइम मिनिस्टर के अहदे की वजह से उन्होंने चीन के साथ जो उनका उस वक्त सी पैक का मनसूबा था वो उसका एक ख़ास स्टेज पे चल रहा था तो अगर उस वक्त यही दलील जो है वो इस्तेमाल की जाती कि जनाब चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सी पैक ले कर आएँ चीन से फिफ्टी बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके कर आएँ तो उन पर अगर हम पानामा लीग के इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये किसी बैरून मुल्क किसी क़वत की साजिश है ताकि पाकिस्तान में तरक्की का रास्ता जो है वो रोका जाए या सी पैक को जो है वो डी रेल किया जाए सवाल ये पैदा होता है कि यही सवाल आके एक ऐसे मौके पर क्यों उठाया जा रहा है अब इसमें अगर रूल ऑफ़ लॉ है तो हम सब जानते हैं कि रूल आफ़ ला की डेफिनेशन ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं उसमें कानून किसदे पर फायज है किसके पास कितने इख्तियार हैं किसके पास कितनी दौलत है या वो कितना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है सोसाइटी पे। इस तरीके से अगर आप हर आदमी को डिफरेंटली डील करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप जो है वो रूल ऑफ़ ला नहीं है बल्कि वो आप अपनी मर्ज़ी का एक कानून है जिसको आम जबान में आप एक काला कानून या डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो कह सकते हैं और अब इसको बुनियाद बना के यानी एज ए शील्ड इसको यूज़ करके तो आप ये कहें कि जी ये इल्ज़ाम जो हैं इनके बारे में भी हम कुछ नहीं कहते कि ये सही हैं या गलत हैं लेकिन हम इसको साजिश करार दे के तो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है एक तो राय ये डिवेलप की जा रही है दूसरी तरफ जो है जो इदारा जिसने पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही मचाई ट्रांसपेरेंसी के नाम पर और करप्शन के ख़िलाफ़ के, ना, के नाम होने के नाम पर वो टोटली म्यूटेड है यानी वो देखें कि जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये पानामा लीग के हवाले से उन्होंने लिया था ये एक्शन लिया था तो क्या वो सारे इल्ज़ाम उस वक्त साबित हो चुके थे या किसी भी जो पंद्रह सोलह सियासतदान उन्होंने वक्ता फ़क्तान गिरफ़्तार किए अरेस्ट किए उनको प्रोसिक्यूट किया उनके ख़िलाफ़ पूरा एक प्रोबोगेंदा जो है वो किया और मीडिया में उनको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की उनमें से किसी एक पर भी आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि जो ये एंटी करप्शन अदारा है या नैप है ये उस वक्त का इंतज़ार नहीं करता कि उनके पास कोई ठोस सबूत आ जाए तो वो किसी को करें वो उससे पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन का एक अमल जो है उसको शुरू कर देते हैं आ, लोगों की रेपूटेशन जो है उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट करके तो फिर जो है वो एक अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के इंतजार में बंदे को अंदर करके बैठ जाते हैं इसकी एक मिसाल आप ये देखें अमीर शकील है कि जिसके ख़िलाफ़ उनके पास कोई प्रूफ नहीं है चूँकि होता तो किसी अदालत में पेश करते तो उनको उन्होंने जो है वो बिया बार रखा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं फ़ॉर समथिंग तो अब इस केस में भी ज़ाहिर है कि मुल्क कानून यही है कि जब इस तरह का एक स्कैंडल फाइल हो गया उसके बैकअप डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो मीडिया पे आ गया और जिस शख्स ने वो स्कैंडल जो है वो फ़ाइल किया है वो कहता है कि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ और मैं इसके लिए जो भी इनको मज़ीद तावन की या किसी तरह की उसकी जो है वो ज़रूरत है डिस्क्लोजर की उसके लिए वो तैयार है तो इसके बावजूद आज इतने दिन हो गए उसका किसी ने इन कोई नोटिस नहीं लिया जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है पहली बात यह है कि मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की तो ये रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी बल्कि असाल्ट है कि आप अपने बंदे पिक एंड चूज़ करें इस तरह तो फिर आप हिस्ट्री में वापस चले जाएंगे तो जनरल मशर्रफ से लेके तो इस वक्त तक ये जितने जो है मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग करप्शन के हवाले से या इस तरह के दूसरे जराम में मुलावस पाए गए उन पर बायदा इल्ज़ाम लगे उन अदालतों में भी फ़ाइल हुए लेकिन आज तक कोई उन सिलसिले में पेशर रफ्त नहीं हुई और दूसरी तरफ जो पॉलिटिशन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको लंबा अरसा तक जो है वो जेलें काटनी पड़ी जिला वतन होना पड़ा या उसकी जो है वो कीमत अदा करनी पड़ी तो इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ़ एक स्पेसिफिक सिगमेंट ऑफ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ़ पीपल जो है उसके लिए है बाकी जो है वो इससे इस्तीफ़ा कर सकते हैं तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है इसको अब उठाया जा रहा है और वहाँ पर जर्नलिस्टों का और सिविल सोसाइटी का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का एक बड़ा एक ताकतवर ग्रुप जो है वो सामने आया है जिनका ये ख्याल है कि ये जो स्कैंडल है इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए पाकिस्तान में कोई भी ये मतालबा नहीं कर रहा है कि आप जो है वो इस इल्ज़ाम की रोशनी में जाके तो जनरल साहब को अरेस्ट करें या उनको जलील करें जिस तरह आपने नवाज़ शरीफ किया था इस तरह का मतालबा मैंने नहीं देखा वो एक सिंपल मतालबा ये है कि कानून को अपना काम करना चाहिए ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इनको इन्वेस्टिगेट करे या इनको अदालतों के सामने पेश करे और उसमें जनरल साहब को अपनी सफाई पेश करने का जो है वो पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि यह जैनवन मतालबा है लेकिन इस वक्त हो ही रहा है कि जिस जर्नलिस्ट ने ये जो है वो स्टेटमेंट या स्कैंडल जो भी आप कह लें फ़ाइल किया है उसके ख़िलाफ़ इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी लाबी वहाँ पे हरकत में आ गई है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये नूरानी साहब जो हैं वो कोई इंडियन एजेंट हैं और इससे जो है वो वहाँ की एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की एक साइकी एक्सपोज़ होती है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर उनके ख़िलाफ़ आप कोई बात करें कोई बड़े से बड़ा इल्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी सच्चाई भी उनके साथ जुड़ी हुई हो उसके आप सामने लाएं तो उससे या आपका कैरेक्टर जो है उस पर हमला होता है या आपको किसी ऐसे तरीके से किसी गैर मुल्की कवत के साथ मुनसलिक करके तो आपको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जाती है इसके जवाब में ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स आर्गनइजेशन हैं और वहाँ के बहुत सारे जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और इस तरह के ग्रुप्स हैं उन्होंने सामने आके तो इस बात की मजम्मत की है और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि ये एक बाकायदा एक उनकी ज़िम्मेदारी थी एज़ ए जर्नलिस्ट कि उनके नोटिस में एक चीज़ आई उसको उन्होंने प्रा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और उनके ख्याल में ये चीज़ इसकाबल थी कि इसको पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पे पब्लिक के सामने रखा जाए मीडिया के सामने रखा जाए तो इसलिए उनको जान से मार देने की धमकियाँ देना या उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो किसी के एजेंट हैं और उसको अजीब व गरीब तरीके से साबित करना कि जी मसला यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरह के इल्ज़ाम हैं ये किस इंडिया के किसी सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज़ हो चुके हैं तो जाहिर है कि अब दुनिया में इंटरनेशनली दुनिया इतनी जुड़ चुकी है सोशल मीडिया के हवाले से कि लोग एक दूसरे के मटेरियल को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को और इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उसको आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि चूँकि ये किसी मुल्क की वेबसाइट पर आ गए इसलिए ये केस नहीं बनता मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ का तकाजा ये है और पाकिस्तान के सारे लोगों के साथ जो है वो इंसाफ का तकाजा ये है कि इस केस को फिल फोर जो है वो उठाया जाए और इसको ड्यू प्रोसेस में और डी प्रोसेस जो है ओपन एक जो जुडिशल प्रोसेस है उसके अंदर रख के इसकी जांच पड़ताल की जाए और ताकि पाकिस्तान में ख्वा वो कोई करप्शन के हवाले से कोई शख्स जो है वो किस अहदे पे फायज़ है या उसकी क्या बैकग्राउंड है या किस ग्रुप ऑफ़ पीपल के साथ उसका ताल्लुक है इससे कहता नज़र अगर आपका दावा ये है कि इस मुल्क में आप करप्शन ख़त्म करेंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाएंगे तो फिर उसका तरीका जो है वो यही है इसमें एक और अजीब सी बात यह है कि अब ये तो इस्टबलिशमेंट के जो मुस्लिम मोरे हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए या ख़ुद एस्टाब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ और लोगों ने जो अपनी अपनी मुख्त किस्म की नामों से जो है वेबसाइट खोली हुई हैं और जाली अकाउंट्स खोले हुए हैं वो तो इस तरह के मामला में एक्टिव बल्कि ओवर एक्टिव होकर बाहर आ जाते हैं ये कोई नई बात नहीं जो हम देख रहे हैं लेकिन इसमें नई बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो उस हुकूमत को हैड कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब उनका नंबर वन एजेंडा जो है वो ये था कि मैं करप्शन में मुलवस किसी को नहीं छोड़ूंगा और किसी को नहीं छोड़ूँ कि जब वो बात करते थे तो उनके इशारे ऐसे लोगों के साथ होते थे जिनमें से बाज़ जो हैं वो कभी किसी हुकूमती अख्तियार या यादे पर फायज रहे ही नहीं जिनमें एक मीर शकील भी थे या इस तरह के कुछ दूसरे लोग थे और उनका दावा ये है कि मैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करके रहूँगा कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब हमारा मुल्क वापस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है तो अब मैं ये करप्ट लोगों को फॉलो करूँगा दूसरी तरफ उनकी अपनी बगल में बैठा हुआ एक आदमी जो पाकिस्तान के तरक्की के हवाले से या जिस काम में करप्शन के कोई चांसेस होते हैं उसके लिए नंबर वन यानी 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सी पैक के हवाले से उसका हेड हो और दूसरी तरफ ख़ुद इमरान ख़ान की हुकूमत को एडवाइज़ कर रहा हो और उस पर इतने ओपन किस्म के इल्ज़ाम लगें और उसका सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई स्टेटमेंट आए ना ही उसकी तरदीद हो ना उसकी तस्दीक हो और ना ये कहा जाए कि इस सिलसिले में हमारी क्या राय है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ करप्शन के नाम पर या ट्रांसपेरेंसी के नाम पर या रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो है वो किस तरह की उनके साथ जो है वो हेरा फेरी हो रही है तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के ये मतलब हैं जो जर्नलिस्ट यूनियन के लोग हैं या ह्यूमन राइट्स के लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन मुतालब को ए, इसी तरीके से जो है वो देखने की ज़रूरत है ताकि अवाम को पता चले राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो अवाम का सबसे बड़ा राइट है और इसी से करप्शन के ख़ात्मे की इब्त यहाँ से होती है कि जब आप सिक्रेसी को ख़त्म करते हैं हर चीज़ ओपन होती है और लोग उस ओपन प्रोसेस के अंदर जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं उसके बारे में उनको इंफॉमेशन मिल सकती है तो तब जाके तो आप दावा कर सकते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी के कायल हैं या मुल्क से करप्शन जो है वो ख़त्म करने के बारे में संजीदा है तो इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाहता था वो कश्मीर के हवाले से जैसा कि अक्सर होता है बल्कि हर रोज़ होता है कि कश्मीर के हवाले से कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते रहते हैं जिस पर हम डिस्कशन करते रहते हैं एक तो ईशू जो डेली बेसिस पर होता है वो है वहाँ पर जो मिलीटेंसी और मिली टेंसी या मिलिटेंट वर्सेस मिलीटरी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं या सरदों पे वहाँ पे जो सरहदों पे भी नहीं कहना चाहिए बल्कि कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर जो मुख्तु किस्म की झड़पें होती हैं जिसमें आम लोग बेचारे मारे जाते हैं या औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं उस पर हम अफसोस करते रहते हैं और वह उसी तरह मामूल के मुताबिक जारी है जिसमें कि कोई तब्दीली नहीं आई है तो लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ मतलब ये लिया जाता है कि रवायती तौर पर जो प्रो इंडियंस पोलिटिकल पार्टीज़ वहाँ रही हैं छः अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन से पहले उनसे मराद ऐसी पार्टियाँ थी कि जिन जो ये कहती थी कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं दो कि कश्मीर के अंदर उनको क्या इख्तियार होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए इस पर उनका डिस्प्यूट ज़रूर है और था लेकिन इस बात में से ये जो छः पार्टियाँ इनमें से कभी किसी का कोई इखिलाफ़ नहीं रहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अंदरूनी जो ख़ुद मुख्तारी जिसको ऑटोनस आप स्टेटस कहते हैं या हकूक और इख्तियार कितना आपके पास है और कितना मरकज़ के पास है इस पर उनका अपना अपना एजेंडा ज़रूर था इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्टारिकल पस मंज़र में एक पूरा जो है वो रोल रहा है कि पहले ये वायद पार्टी थी जो मैस पार्टी होने के नाते जिसने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने के अमल को मुमकिन बनाया जिसके बगैर ये पॉसिबल था ही नहीं हाल दो कि महाराजा हरी सिंह अगर ये करना भी चाहते तो वो अकेले इसलिए नहीं कर सकते थे कि उस वक्त कश्मीर के जो मैसेज थे उनकी एक बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हिंदुस्तान के साथ ये सारा अलाइंसिस और जो अलाक जो है उस वक्त करवाया वो उसमें नंबर वन पार्टी वो है और उसकी हमेशा आल दो के 1953 का जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटस लिया था उसमें प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का था लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला की क्यादत में इंद्रा अब्दुल्ला एकॉर्ड के तहत ये तस्लीम किया कि आज के बाद मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और ये कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है लेकिन हमें कुछ स्पेशल स्टैटस या इख्तियारत हैं जो हासिल हैं दूस और इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये प्रो इंडियन एक मैस पॉलिटिकल पार्टी रही है हिस्टरिकली लेकिन वाइद चीज़ उसका जो था वो रियासत जम्मू कश्मीर को जो अख्तियार हासिल हैं उस पर जो उसकी रिज़र्वेशन रही हैं दूसरी जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो महबूबा मुफ्ती की आ, उसका भी एग्जैक्टली यही रोजान रहा है वो इकदार में भी रहे हैं प्रो इंडियन पार्टीज़ के साथ अलाइंस बना के जिसमें बेजी भी सर फहरिस्त है अपने आप को हिंदुस्तानी से भी बड़ा हिंदुस्तानी कहते हैं लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर की जो अपनी इंटरनल शनाख्त है या इख्तियारत है उसके हवाले से भी उनका स्टैंड आलमोस्ट वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है मिलिटेंसी और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के हवाले से कि इनके लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं जबकि पी डी पी बसाओकात वहाँ पर महबूबा मुफ्ती की क्यादत में मिलीटेंटों के साथ नरम रवैये का एजहार भी जो है वो करती रही है लेकिन उनका भी हिंदुस्तानी होने या हिंदुस्तान के साथ वफ़ादारी पर कभी किसी ने इतराज़ नहीं किया इसी तरह वहाँ पर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो इसमें शामिल है इस अताद में है उसका भी एग्जैक्टली exactly, उनका तो सीधा सीधा मंशूर है कि कश्मीर और हिंदुस्तान एक ही हैं और इसमें वो ज़्यादा जो लोकल इख्तियारत या आटोनोमस स्टेटस के हवाले से भी कोई ज़्यादा एंक्शस नहीं रहे हैं तो इसके बाद कांग्रेस है तो जाहिर है कांग्रेस का भी एक हिस्टोरिकल पार्टी होने के हवाले से अपने आप को वो हिंदुस्तानी समझते हैं यानी इस हिसाब से ये पूरी छः के छः पार्टियाँ जो हैं इनमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी आप हिंदुस्तान के साथ वफ़ादारी पेशा कर सकें लेकिन इन सब ने जो अलामिया दिया है वो ये दिया है कि जी जो 6 अगस्त 2019 को जो अमल हुआ है ये हमें मंजूर नहीं है और हमें अपनी रियासत का जो स्टेटस है जो कि बिफोर फिफ्थ ऑफ अगस्त 19 2019 था उसको रिवाइव किया जाए इस पे मुझे याद है कि इसी प्रोग्राम में यहीं थर्ड ओपिनियन में इसी चैनल पर मैंने बात की थी और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को वीडियो रीप्ले भी कर लेना चाहिए कि मैंने बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कहा था कि ये जो बड़ी दो तीन पार्टियाँ हैं जो आज जो फिफ्थ ऑफ अगस्त के अमल के से नाराज़ हैं और इसके ख़िलाफ़ बड़े बड़े बयान दे रही हैं ये जब बाहर निकलेंगे नज़रबंदी से और जेलों से तो इनका एक ही मुतालबा होगा कि हमारी रियासत हमें वापस कर दो तो हमें बिल्कुल कोई और ना चीज़ चाहिए ना हमें कोई इतराज़ चाहिए ना हमें कोई इख्तियार चाहिए और ना हमें हिंदुस्तान के साथ कोई मसला है तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना ब्लैक मेलिंग करते हैं और इनका चूँकि इससे आगे है ही कुछ नहीं तो ये जो स्टेटस इनका था पाँच अगस्त से पहले का ये भी उसको डिफ़ेंड करने में नाकाम रहे हैं चूंकि बुनियादी तौर पर कश्मीर पर हुकूमत इन लोगों ने की और बारी बारी की और जब आप हुकूमत कर रहे हैं और आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं आप आवाम से अलेक्ट होके आते हैं तो आप आके इन पे या हिंदुस्तान के साथ आपकी अरेंजमेंट क्या है या वहाँ पे डेमोक्रेसी की शक्ल क्या होनी चाहिए या वहाँ पे गवर्नर राज क्यों है या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ महफूज़ क्यों नहीं हैं इसके लिए हंदुस्तान से ज़्यादा आप जवाबदार हैं चूँकि आप जो है इकतदार में हिस्सेदार हैं और बात और हिस्सेदार और बात रलेक्ट रिप्रजेंटेटिव ऑफ़ द पीपल ऑफ कश्मीर आप जवाब दे हैं कि आप इसका जवाब दें तो इसलिए उसको मैं उन्हीं अल्फाज में आगे ले जाता हूँ कि आज ये मांग रहे हैं जी कि इसके बगैर तो हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और ये मांग ये रहे हैं कि हमें जो है रियासत जम्मू कश्मीर वापस उसी शक्ल में दी जाए और उसमें जो स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल किया जाए जिसका मतलब ये है कि थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव को बहाल किया जाए मैं ये बात एक बार फिर दोहराता हूँ कि अब ये अगली बारगेन ये करेंगे कि ठीक है रियासत हमें दे दो हमें चीफ़ मिनिस्टर बना दो तो हम थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव को भी भूल जाते हैं ये कश्मीरी अवाम के साथ जो ड्रामेबाजी है ट्रेजेडी है और अलमिया है कि उनके साथ बार बार इस तरह के धोखे दिए किए जाते हैं कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशन करते हैं कभी दूसरे करते हैं तो इस हवाले से मैं इस अमल को इसलिए इस तरीके से देखता हूँ कि ये एक बारगेनिंग का प्रोसेस है और जो ही वहाँ पे इलेक्शन होंगे एक चीफ़ मिनिस्टर बनेगा मुमकिन है रियासत बहाल कर दी जाए लेकिन 370 और 35 पे ये दोबारा जो है वो कंप्रोमाइज़ कर देंगे इसके बाद जो है अभी एक साल अगले महीने में पूरा हो रहा है जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमरान ख़ान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ज़बरदस्त ख़ताब करते हुए दावा किया था कि हम जल्द ही कश्मीर को जो है वो आज़ाद करा देंगे इस दफ़ा भी वो अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि सितंबर में हम कश्मीर पे एक बहुत बड़ी डिस्कशन लॉन्च करने वाले मैंने आज ही यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट चेक की है जिसमें कि उन्होंने पूरा एजेंडा दिया हुआ है ए, डिटेल एजेंडा है कि कौन कौन से आइटम जो हैं जिन पे डिस्कशन होगी उसमें जो है वो कश्मीर कहीं नहीं यानी जब कश्मीर आपने एजेंडे में ही शामिल नहीं किया फ़िलहाल और आई डोंट नो कि लिमिटेशन पीरियड क्या है पंद्रह दिन पहले तक आप करा सकते हैं या थर्टी डेज़ के लेकिन अगर आपने कश्मीर को वहाँ शामिल ही नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरे सालों की तरह अवाम के साथ एक मि, मिसरप्रजेंटेशन है और उनको एक नए धोखे में डालने की बात है कि जी हम तो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल तूफ़ान उठाने वाले हैं लेकिन हकीकत में आपसे इतना काम नहीं हो सका कि उस तूफ़ान किसको आप बर्पा करने वाले हैं वो कम अज़ कम किसी एजेंडे पे हो मुझे ये लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब यूनाइट नेशन की इजलास में वर्चुअल चूँकि इजलास वही वर्चुअल रहा है लीडर्स जो हैं वो अपने अपने घरों मुल्कों से होकर बात करेंगे तो वो उस पर मुमकन है एक और तकरीर डिलीवर कर दें जिसमें वो कहानी सुनाएँगे कि आर एस एस कैसे बनी थी मोदी साहब कैसे इकदार में आए थे और वही जो रटा रटाया और हज़ार बार कहा हुआ सेंटेंस है कि ये फाशिस्ट हैं और फाशिज़म की तरफ जा रहे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद अगले साल तक कश्मीरी जो है वो फिर एक नए ख्वाब में की तलाश में जो है वो बैठे रहेंगे तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का फरेब मसलसल है जो कश्मीरी अवाम के साथ हो रहा है ये वो कतन डिज़र्व नहीं करते वो कश्मीरी आवाम ख्वाब वो कश्मीर के किसी हिस्से में हूँ जम्मू कश्मीर में हूँ आज़ाद कश्मीर में हों गत बल्तिस्तान में हों उनका जो बुनियादी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो उनके साथ जो एक्निक और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं और जस्टिस है वो होना ज़रूरी है उसमें किसी तरह की ये तकरीरें करके और उनको लंबे लंबे जो है वो लारे देके लंबी लंबी डेट्स देके तो उनको जो है वो इस बुनियादी और फ़ौरी चीज़ से महरूम रखा जा रहा है कि आपके राइट्स जो हैं वो मसला कश्मीर से जुड़े इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं इन तीनों चारों सेटअप्स में अब लद्दाख भी हो गया है उनको चाहिए कि वो अपने फ़ौरी तौर पर डेमोक्रेटिक राइट्स सिविल राइट्स सिविल लिबर्टीज़ और एक्नामिक जस्टिस की बात करें कि इस पे किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है मसला कश्मीर हल होता है या नहीं होता ये बहुत लंबी बात है और अगर होता भी है तो इन चीज़ों के बग़ैर इन लोगों की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा चनाचे जो फौरी चीज़ है वो ये है कि कश्मीरी अपने अंदर एक यूनिटी पैदा करके तो इन तीन चार चीज़ों को फ़ोकस करें और वो अपने हुक्मरान तबक़ात को ख्वाब किसी डिसप्लिन में गलगज बल्तिसान के अंदर हैं लद्दाख में हैं जम्मू कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में उनसे ये मुतालबा करें कि उनके फुल फ्लैज जो राइट्स हैं वो रिस्टोर किए जाएँ और इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर गिरफ़्तार हैं मुख्तु जगहों पर बल्तिसान में आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में उनको फिलफो रहा किया जाए या उनके ख़िलाफ़ ड्यू प्रोसेस में ओपन कोर्ट्स में जो है वो मुकदमा चलाए जाएँ और उनके जो बुनियादी हकूक़ और सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको जो है ग्रांट की जाए तो आज की गुफ्तु मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ आपसे फिर गुलत होगी खुदा हाफ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.